हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ध्यान रखने योग्य बातें नंबर एक, अक्सर काम के चलते हम दिन भर में पानी भरपूर मात्रा में नहीं पी पाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर देखने को मिलता है। इसके कारण आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जो आगे चलकर कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। इसलिए काम के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट बना रहे। नंबर दो, अगर घर में प्याज उगी हुई हो तो बिच्छू नहीं आते हैं। नंबर तीन, नाखूनों का बढ़ना रोकना हो तो नाखूनों पर एक बार काट कर शलजम के पत्तों को रगड़ दो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। नंबर चार, चमेली का फूल सूंघने से गले में बलगम नहीं आता है। नंबर पाँच, हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आपको दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसमें आप 20 मिनट योगा को भी शामिल कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में काफ़ी सहायता मिलती है। नंबर छः, घर में अगर पुदीना और धनिया लगा हो तो चिपकलियाँ नहीं आती हैं। नंबर सात, जिस औरत का वजन बढ़ रहा हो वह दालचीनी का दाना रोजाना खा ले, वजन कुछ ही दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर आठ, तकिए के बगैर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। नंबर नौ, हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से भी बचाता है। नंबर दस, नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सर धोने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं। नंबर ग्यारह, बैंगन में ज़बरदस्त विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो दिल के लिए खासकर स्वस्थ होते हैं। नंबर बारह, गोलगप्पे खाने और इसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, उल्टी डायरिया पीलिया और आंतों की सूजन की समस्या से भी राहत मिलती है। नंबर तेरह, रात को पानी में इमली भिगो दे, फिर उस पानी से बाल धोए। यह अमल एक हफ्ता करें और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करते रहे, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। नंबर चौदह, प्याज को पीसकर उसका रस कपड़े में छान ले और फिर उसे गर्म करके 3 से 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाएगा। नंबर पंद्रह, अगर बुखार की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो तो रोजाना 3 से 4 दाने मुनक्का के तवे पर भूनने फिर खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 16, जो औरतें अपने चेहरे पर मलाई लगाती हैं उनकी त्वचा चमकदार होती है, उनको झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। नंबर 17, जो लोग अधिक तेज चलते हैं उन लोगों का शरीर कभी ढीला नहीं पड़ता है। नंबर 18, सोयाबीन बड़ी को 2 घंटे भिगो कर मसल कर उसका झाग निकाल कर ही प्रयोग करें। नंबर 19, जिन औरतों को अक्सर कमर दर्द की समस्या रहती है वह गाय का कच्चा दूध पी लिया करें, इससे दर्द में आराम मिलता है। नंबर 20, जो औरतें अपने हाथों से कपड़े धोती हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता और वह अपने आप को ज़्यादा फिट रखती हैं। नंबर 21, ठंडे या हल्के गर्म पानी से गर्म नॉनस्टिक पैन को साफ करें, नहीं तो आपका पैन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसे बिगड़े हुए पैन में हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और खाना भी नहीं बन सकता। नॉनस्टिक पैन को धोने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। नंबर 22, एल्युमिनियम के जले हुए पैन को साफ करने के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पैन में 1 प्याज डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लें, फिर बर्तन धोने के पाउडर से इसे साफ करें, इससे पैन में चमक आ जाएगी। नंबर 23, अजवाइन का पानी हाई बीपी या दिल की बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है और दिल की बीमारी होने लगती है उन्हें अजवाइन का पानी सेवन करना चाहिए। नंबर 24, कांच के बर्तन को धोने के लिए पानी में नींबू के छिलके मिलाएं और इससे बर्तन साफ करें, बर्तन पहले जैसे चमक उठेंगे। नंबर 25, कांच के बर्तन साफ करते समय सिंक में पुराना तौलिया लगा दें, इससे अगर बर्तन झाग के कारण हाथ से छूट जाए तो गिरने से टूटेंगे नहीं। नंबर 26, चना कब नहीं खाना चाहिए। चने का प्रोटीन कई लोगों को पचाने में समस्या हो सकती है, ऐसे में इनके सेवन से करने से पहले कुछ बातों को जान लें। चना प्रोटीन से भरपूर एक ऐसा फूड है जिसे कई लोग खाना बहुत
पसंद करते हैं। चना फाइबर से भरपूर होता है, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसका आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा चना खाने उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर या फिर जिनके शरीर की बनावट कमज़ोर हो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही नियम को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।